वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में एलटीपी हम फेच करेंगे ऑफ एनी इंडेक्स दैट इज अ बैंक निफ्टी निफ्टी यूजिंग अ स्मार्ट एपीआई ऑफ एंजल ब्रोकिंग इन अ पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे एक स्मार्ट एपीआई में ये दो एप्लीकेशन क्रिएट की थी, ओके, अल्गो वन एंड हिस्ट्री वन। ओके, अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तब हम ये ट्रेडिंग यूज करेंगे, ट्रेडिंग एपीआई। सो अभी मैं यही यूज कर रहा हूँ फैच करने के लिए भी। आप हिस्ट्री डेटा भी फैच कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप ये ट्रेडिंग एपीआई यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने फिलहाल वही ऐड किया है, और यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ऐड करना है, और टोकन मैप जो टोकन जनरेट होगा वो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। और जो टोकन जनरेट होगा, जो ऑथेंटिकेशन सेशन क्रिएट करने के बाद जो टोकन जनरेट होगा वो फिट टोकन में जनरेट होगा। सो टोकन मैप में आपके सारे सिंबल होंगे जो आपको पता है कि यहाँ पे ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। लाइक बैंक निफ्टी का ये सिंबल बैंक निफ्टी नेम बैंक निफ्टी है, लेकिन हमें ये टोकन चाहिए इम्पोर्टेंट 26009। ओके, तो ये वेबसाइट से पूरा जैसन को कन्वर्ट करके वो डिक्शनरी में स्टोर करेगा। ओके, और वो यहाँ पे टोकन मैप में हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद हम इंडेक्स डेटा पे कोड देखेंगे टू फैच एलटीपी ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैंने मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे login.py में मैंने ऐड कर दिया है। ओके, और आपको ये पता ही, हमने ये इनिशियलाइजेशन टोकन मैप आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। सिंबल और टोकन मैपिंग के लिए यहाँ से हम ये डाउनलोड करेंगे और उसको हम डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे l.tokenmap में। सो जब ओके, सो कभी भी आपको अगर यूज करना हो तो यहाँ से हम फैच कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ तक हमने ऑल कोड इजीली हमने यहाँ तक ये कोड पूरा देखा है। ओके, ये आपका क्या करेगा, ये आपका सेशन जनरेट करेगा और ये फिट टोकन जनरेट करेगा। ओके, अब इनिशियलाइज मैप आप कॉल करोगे तो क्या होगा, ये आपका पूरा जो हमने देखा ये स्ट्रक्चर है वो पूरा जैसॉन को कन्वर्ट करके डेटा फ्रेम में यहाँ पे l.token मैप में स्टोर कर देगा। सो यहाँ तक कोड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब ये बाकी है गेट टोकन इन्फो। ओके, सो लेट्स सी, अगर आपको ओके लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट स्ट्रक्चर हियर। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या नेम क्या है, बैंक निफ्टी है, सिंबल बैंक निफ्टी है और टोकन ये है। उसके अलावा आप लॉट साइज देखिए तो यहाँ पे लॉट साइज नहीं है। इंस्ट्रूमेंट टाइप आप देखिए कुछ नहीं है, एक्सचेंज NSE है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें तीन चीज चाहिए, सिंबल, टोकन और ये एक्सचेंज NSE। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या पास किया है, NSE। ओके, फिर यहाँ पे हमने क्या पास किया है, OPT इंडेक्स और बैंक निफ्टी। ओके, हमें ये अगर हम रन करें, अगर आपको सिर्फ यहाँ पे आपको हमने बैंक निफ्टी पास किया, ठीक है, अभी ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, तो ये यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट टाइप में जा रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप है नहीं है, लेकिन आप अगर वो नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट टाइप यहाँ पे नहीं दूंगा तो भी वो चलेगा, ठीक है। हमें क्योंकि हम फिल्टर कहाँ से कर रहे हैं, NSE और बैंक निफ्टी से कर रहे हैं, तो हमने वो पास किया एक्सचेंज में और सिंबल में। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्या होगा, ब्लैंक जाएगा, लेकिन देख सकते हो आप यहाँ पे हमने सिर्फ पैच किया है, अभी ये स्ट्राइक प्राइस की भी कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट रिमूव इट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो NSE जितने भी एक्सचेंज हो गए NSE वो सारे रिटर्न करेंगे, और वहां से मैंने सिर्फ चेक किया कि सिंबल इक्वल टू सिंबल, मतलब कि सिंबल जो बैंक निफ्टी होगा वो सारे सिंबल रिटर्न करेगा सिंबल। ओके, तो सिंबल कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सिंबल बैंक निफ्टी है। ओके, अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिंबल के अलावा अगर नेम में भी सर्च करूं, ओके, सिर्फ सर्च बैंक निफ्टी सर्च करते हैं, देखो बैंक निफ्टी आप फ्यूचर या फिर कॉल कहीं पे भी आप जाओगे तो नेम में बैंक निफ्टी होगा। फिलहाल यहाँ पे सर्च, ओके, आप जस्ट वेट, सर्च नहीं हो रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो आपको सिर्फ सिंपल से रिटर्न क्या करना है, बैंक निफ्टी और NSE। सो हम इसको रन करते हैं एक बार, तो आपको वेरिएबल में पता चलेगा कि निफ्टी टोकन वेरिएबल में क्या आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रन हो के आपको LTP मिल गई 35,175। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 35, ओके, अराउंड 175 ही है।
अगर रिफ्रेश करो तो आपको मिल जाएगी करंट एलटीपी, ठीक है, 175 अराउंड ही है। वापस एक बार रन करते हैं तो आपको एलटीपी तो मिल गई, लेकिन आप अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखो फिलहाल मैं यहाँ पे देखो ये रिमूव कर रहा हूँ, ओके। तो ये पूरा मैं एक बार रन कर लेता हूँ यहाँ से, ये है इतना सिलेक्शन करके रन, ओके। स्टेप बाय स्टेप हम रन करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपका ये पूरा रन हुआ। अब सिर्फ मैं ये दो रन कर रहा हूँ, ठीक है, रन, ओके। सो अब आप निफ्टी, हम इसको टोकन को हम प्रिंट करेंगे, रन, तो आप देखो यहाँ पे ये डेटा हमने वो सिंबल में से फैच किया, यहाँ पे ये जो सिंबल है ना वहां से हमने ये रो फैच कर ली, टोकन निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके। तो यहाँ पे हमने ये फैच कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो 26,000 बैंक निफ्टी, और ये है, और ये सब हमें अभी यूज नहीं है। अब किसी भी स्टॉक का अगर आपको एलटीपी डेटा फाइंड करना हो, इंडेक्स या फिर स्टॉक का, तो आप यहाँ पे एपीआई में जाके देख सकते हो, ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में, ओके, आपको ये फाइल्स हम डेटा फैच कराएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एलटीपी फैच करने के लिए आपको एक्सचेंज ट्रेडिंग सिंबल और सिंबल मैप चाहिए, ओके। और आपका एलटीपी डेटा करके फंक्शन है जो फैच करेगा आपका क्या लाइव डेटा। हमने सिर्फ सिंपल यही किया है कि जो आपका यहाँ से टोकन आया, टोकन में से हमने टोकन किस में स्टोर किया है, निफ्टी अंडरस्कोर टोकन में, ओके। सो उसमें से हम टोकन लेंगे और सिंबल लेंगे, ओके, और वो दोनों यहाँ पे हमने वो पेश किया है, ओके। सो लेकिन अगर आपको सभी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये टोकन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी सिंबल है और उसका एनएससी सेगमेंट है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टोकन। तो टोकन फैच करने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, ILOC ऑफ जीरो, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें से हम सिर्फ फैच करेंगे टोकन, ओके। अब ये टोकन जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ओके, तो वो टोकन प्रिंट करेगा सिर्फ, अब तो दैट इज 26,009 उसका जो टोकन है बैंक निफ्टी का, ओके, सो वो प्रिंट करेगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप टोकन 26,009। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखो बैंक निफ्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं निफ्टी लिखूं, ओके, और यहाँ पे भी निफ्टी लिख रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर मैं निफ्टी ही लिखूंगा, सिर्फ सर्च कराऊंगा गेट टोकन से, ओके, तो यहाँ पे तो अभी निफ्टी पूरा सिंबल में दो निफ्टी जो आएगा वो एक ही शायद आएगा, लेट्स सी क्या ओके। सो क्योंकि ओके हमें डेटा नहीं मिल रहा, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे ILOC ऑफ जीरो कर दूँ, ओके, सिर्फ यहाँ पे करते इतना रन करते, क्या आपको टोकन मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी में शायद दो इंस्ट्रूमेंट रिटर्न करता है निफ्टी में, एक मिनी निफ्टी करके भी है वो रिटर्न करता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पूरा कि अगर हमने सिंबल से किया है, इसलिए अगर हम नेम से करेंगे यहाँ पे तो वो दो इंस्ट्रूमेंट रिटर्न करेगा, क्योंकि हम स्टॉक वो सब नेम से फिल्टर कर देते, ओके, SBIN हम सिर्फ नेम देते थे, उसका सिंबल SBIN-EQ है। तो आप देखो यहाँ पे दो सिंबल रिटर्न कर रहा है, मिनी निफ्टी और निफ्टी। सो इसीलिए जब भी हम इंडेक्स या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी आपको चाहिए तो डेटा चाहिए लाइव, तो आप हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेम हम क्या यूज करेंगे, सिंबल। तो अब वो शायद सिर्फ एक ही रिटर्न करेगा, दैट इज द निफ्टी, और यहाँ पे हम ILOC वापस जीरो कर देंगे, ओके, और उसमें से हम सिर्फ टोकन फैच करेंगे, आप यहाँ पे देख सो सिर्फ एक ही डेटा रिटर्न हुआ, ठीक है, ओके, क्योंकि ILOC की वजह से वो डेटा सिंगल मल्टीपल डेटा था, तो इसलिए वो एरर दे रहा था, क्योंकि हमने इंडेक्स फाइंड नहीं किया, और वो टोकन से हमने सिर्फ NSE निफ्टी और टोकन हमें चाहिए, ओके। सो कभी भी आप ये मत भूलना कि कभी भी आप यहाँ पे अगर आप निफ्टी की LTP फैच कर रहे हो तो आप विद सिंबल फैच करना है आपको, ओके, क्योंकि निफ्टी में दो है, एक मिनी निफ्टी करके भी है जो हमने देखा, ओके।
यू कैन सर्च इट, ओके, यहाँ पे सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो, बट यू कैन सर्च दैट, ओके. सो बस आपको इस सिंपल ये दो चार लाइन लिखनी है विथ NFT और NSE, ये आपको टोकन रिटर्न करेगा निफ्टी का, और वो टोकन से हम लाइव डेटा फैच कर रहे हैं LTP डेटा फंक्शन के, ओके. सो ये कोर में टेलीग्राम चैनल पे रख दूंगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, नो चेंज एज इट इज. बस आपको यहाँ पे लॉगिन में जाके वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड खुद का देना है और ट्रेडिंग API इंसर्ट करना है, टोकन ऑफ, आप जो बोलते हैं ना यहाँ पे स्मार्ट API में, ये आपको API की इंसर्ट करनी है ट्रेडिंग की, ओके. इतना चेंज करना है. If you like my video, subscribe to my channel and share with others. Thank you.